नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जा रही हूँ आज मैक्स हॉस्पिटल देहरादून, कुछ काम है मुझे, तो बस मैं निकल रही हूँ। रेडी मैं हो चुकी हूँ, तो निकलते हैं, फिर आगे मिलती हूँ मैं आपसे। बाय अंश। बाय। मम्मा को देखो, बाय कर दो। क्या कर रहे हो आप? मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग कर रहे हो? चलो, ओके। ओके, वेरी नाइस। मैं जा रही हूँ, दादी को तंग नहीं करना। ओके, बाय। तो मैं मैक्स हॉस्पिटल पहुँच गई थी और आज मैं अकेले आई हूँ, तो कुछ काम भी है मुझे देहरादून में और भी, तो वो सब करके तब घर जाऊँगी। देख सकते हैं कितनी भीड़ है आज, बहुत रश है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब हो गया है आज नेक्स्ट डे। मैं कल ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, कल मैं थोड़ा बिजी थी, तो सारा दिन वहीं हॉस्पिटल में लग गया। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला क्लिप्स बनाने का, तो सोचा आज आपके साथ ही आज का दिन कंटिन्यू करती हूँ इस वीडियो में, और फिर मैं आपको शेयर करूँगी। तो अभी मैं एप्पल खा रही हूँ, नहा के आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है एप्पल, और अगर आपको आवाज़ आ रही होगी प्रेशर कुकर की, तो दाल हमारी बन रही है, तोर की दाल है। और यहाँ पहाड़ों में तो बहुत अच्छी लगती है, विंटर्स में काफ़ी खाई जाती है, गर्म होती है तो अच्छी लगती है, और सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है राइस, गरम गरम राइस के साथ तोर की दाल खाना। तो जब अभी बन जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसी बनती है। ये देखिए, दाल हमारी बॉईल हो चुकी थी। दाल को हमने बॉईल कर दिया है, थोड़ा टाइम लगता है तोर दाल को बॉईल होने में। और यहाँ तड़के की तैयारी, हींग, ज़ीरा एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। गार्लिक के चॉप करके नहीं डालते क्योंकि फिर बच्चों के मुंह में आता है तो पसंद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर इसलिए मैं ये पेस्ट डाल देती हूँ। और इसको फिर तड़के को, तड़का हमारा रेडी है, इसको दाल में हम ऐड कर देंगे और दाल को छौंक लेंगे। दाल में मसाले सारे डाले हैं, दाल और पूरी रेडी है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे और ये बस बन गई हमारी दाल। और राइस सामान मैंने रखे हुए हैं, स्टीम राइस, तो तोर दाल एंड स्टीम राइस, आज का पहाड़ी खाना हमारा लंच। तो आज का लंच है ये हमारा, गरम गरम दाल एंड राइस। ये देखिए राइस, और ये देखिए चॉपर बिल्कुल नीचे से गया। अयांश आओ बेटा, लंच करो, चलो लंच करो, चलो। अरे चलो, क्यों चलो? आओ जल्दी आ जाओ, चलो लेट्स गो यार, आ जाओ। ये हमारा लंच, राइस एंड दाल। हेलो यांश, हाय मम्मा। लंच कर रहे हो आप? यस। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। गुड। हेलो। कैसा बना है खाना? बहुत अच्छा बना है, पहाड़ी खान, पहाड़ी दाल बनी है हमारी। तूर की दाल बनी हुई है, चावल बने हुए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है, घी डला हुआ है इसमें घर का। और सर्दियों में ही खाते हैं ना इसको ज्यादातर, इसे सर्दियों में खाते हैं ज्यादा। हाँ, ये गर्म होती है दाल। हाँ आप लोग क्या, पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम लोग तोर की दाल बोलते हैं इसे, और पहाड़ों में ही होती है, विंटर्स में हम लोग इसे खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और गर्म भी होता है तो विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है ये। चलिए अब हम लंच करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। हाय आज, च्युइंगम करो। अच्छा, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो बेटा? काइट। वाओ, और कलर भी करोगे? ठीक है, तो ड्रॉ करो और कलर करके दिखाओ, हमें भी सिखाओ कैसे बनाते हो। ओके।
करो करो। शो मी योर फेस ऑल्सो। वाओ आयांश ब्यूटिफुल। तो ये देखिए, ये है आयांश के कलरिंग स्किल्स। आयांश ऐसे कलर करता है काइट को, उसे अच्छा लगता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर करना कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। आयांश आपने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आयांश आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने बेटा। थैंक यू, वेलकम। और आयांश की आज की फरमाइश पॉपकॉर्न। तो इवनिंग स्नैक आज उसका पॉपकॉर्न है, तो पॉपकॉर्न बना रही थी मैं। आयांश को बहुत पसंद है पॉपकॉर्न, तो हमेशा मुझे बोलता है पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो आज मैंने सोचा पॉपकॉर्न बनाती हूँ उसके लिए इवनिंग में। तो फिर पॉपकॉर्न बना के मैंने फिर डिनर प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये मैंने ऑयल गरम हो गया, उसमें मैंने हींग डाल दिए, ज़ीरा एंड लहसुन। यहाँ पे गार्लिक कुक हो रहा है, उसकी रॉ स्मेल चली जाए। और फिर मैं उसमें हल्दी भी मैंने पहले ही ऐड कर दी। हल्दी यूजुअली मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ ताकि उसकी कच्ची स्मेल चली जाए, तो वो बाद में क्योंकि बड़ी अजीब सी लगती है। और आज स्पेशल डिश बन रही है हमारी, आज बन रहा है कंडाली की साग। ये उत्तराखंड की काफ़ी फेमस डिश है, पहाड़ी खाना हमारा ये। और जगह मुझे पता नहीं मिलता है कि नहीं, पर उत्तराखंड में तो मिलता है। और ये कांटे वाले उसके पत्ते होते हैं, काफ़ी कांटे लगते हैं इसमें। तो इसको हमने ब्लांच करके और फिर छौंक दिया है, छौंक के फिर मिक्सी में इसकी इसको ब्लेंड कर दिया है। और फिर ब्लेंड करके इसको फिर से हमने तड़का लगाया था और थिक रखा था, पानी ऐड नहीं किया था, तो क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना था। तो हम लोगों को तो यहाँ सबको ही बहुत पसंद है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। काफ़ी गर्म होता है और बहुत ही हेल्दी डिश है, तो सबको बहुत पसंद आती है और सब बड़े शौक से खाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपके यहाँ अगर मिलता है तो। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ही रखी हमने क्योंकि रोटी के साथ हमने इसे खाया था और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद खाया है, ये देखिए इस तरह का ये बनता है और काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो चलिए, आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।